रीट परीक्षा में रविवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। तमाम सुरक्षा और सख्ती के बावजूद अलवर में पेपर आउट का मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया। छात्राओं का यह आरोप है, साफ तौर पर यह कहना है छात्रों का कि आधे घंटे बाद पेपर दिया गया और पेपर को पहले आउट कर दिया गया। उधर रीट के कई शातिर मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नकल का ऐसा शातिर तरीका जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। रीट के शातिर नकलची चप्पल में नकल की डिवाइस, पेपर आउट से सनसनी। रीट लेवर सेकंड का फर्स्ट का भी आ गया इनके पास, उसका भी पूरा पट्टी बड़ा हुआ है। रीट के कितने डकैत, आखिर जिसका डर था वही हुआ। रीट अभ्यर्थियों और छात्रों में आक्रोश है। छात्रों की यह भीड़ अलवर के कमला देवी कॉलेज की है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले पेपर आउट कर दिया गया। अलवर के नीमराणा में पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। रीट अभ्यर्थियों में आक्रोश है, भविष्य को लेकर चिंता है, क्योंकि उनके जिंदगी और करियर का सवाल है। देखिए कैसे रीट के ये अभ्यर्थी परीक्षा में डकैती को बखान कर रहे हैं। सोचिए, अगर परीक्षा सेंटर का प्रशासक ही भ्रष्टाचार में शामिल हो तो फिर आक्रोश स्वाभाविक है। पहले छात्रों और परिजनों का आरोप देखिए। स्टाफ किसी का फर्जी बंदा था, हमें स्टाफ और कमला देवी जो भी स्टाफ था, प्रशासन के स्टाफ, हमें बोला गया आपका पेपर लेट हो चुका है, पुलिस वाले लाने में लेट हो गए, और हमने बोला कि पेपर जल्दी टाइम से नहीं आया, आने के हमने बोला आधे घंटे लेट कैसे हुआ पेपर, होने के बाद उन्होंने बोला कि आपको आधे घंटा टाइम लेट दिया जाएगा। हमारे सामने लिफाफा भी निकला नहीं, हमारे सामने लिफाफा साइन करवाई और कहने लगे कि आपको दे दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा वाले फर्जी लगा रखे, पूरा प्रशासन एक व्यक्ति निलंबित किया जाए। प्रूफ है हमारे पास। हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद महोदय, शिक्षा अधिकारी महोदय, प्लस CMO, प्लस तीसरे नंबर के रूम है ना, उसके अंदर पहले से गेट जुड़ के चीटिंग हो रही थी, मार्कशीट भरी जा रही थी और किताबें ऑलरेडी। स्टाफ किसी का फर्जी बंदा था। अलवर के मांडन गांव का यह सेंटर है। परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन पेपर करीब आधे घंटे की देरी से 10:30 बजे सेंटर पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि सेंटर पर CCTV सर्विलांस को भी बाधित किया गया है। अज्ञात शख्स ने नेट का वायर निकाल दिया, जिससे परीक्षा सेंटर पर CCTV सर्विलांस फेल हो गया। सवाल है कि जब परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस इतनी मुस्तैद थी, तो फिर सेंटर पर गड़बड़ी कैसे हुई, पेपर आउट कैसे हो गया? परीक्षा से पहले पेपर आउट का मामला अब प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। जी मीडिया ने लगातार रीट परीक्षा के नकलची गैंग के चेहरे का पर्दाफाश किया, लेकिन इससे मिलिए, ये है रीट के सबसे बड़े शातिर डकैत। देखिए इनकी चालाकी और शातिर दिमाग का खेल। परीक्षा में नकल करने के लिए अपने चप्पलों में ही कमांड सेंटर तैयार कर लिया, यानी नकल का पूरा इंतजाम। इस चप्पल को गौर से देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। चप्पल में मोबाइल की पूरी सेटिंग, ब्लूटूथ, ईयरपीस, यानी नकल का पुख्ता और मुकम्मल इंतजाम। लेकिन सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अजमेर के किशनगढ़ में भी रीट परीक्षा में तमाम इंतजामों के बावजूद नकल गिरोह सक्रिय रहा। अजमेर के किशनगढ़ में भी एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। ये छात्र ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की कोशिश कर रहा था। इस आरोपी ने भी चप्पल में सिम और डिवाइस को फिट कर दिया था, लेकिन पुलिस के आगे सारी चालाकी फेल हो गई। नागौर के सोफिया कॉलेज संचालक जावेद अख्तर और उसके भाई खालिद सहित 4 लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों के पास 6 वॉकी टॉकी जब्त किए गए हैं। रीट भर्ती परीक्षा में पास कराने के एवज में 10 लाख रुपए की बात सामने आई है।
कदाचार और नकल मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन और एजेंसियों ने तमाम दावे किए थे, लेकिन जिस तरह से अलवर में पेपर आउट का मामला सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। हालांकि पुलिस की सख्ती से रीट के कई मुन्ना भाई पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।